चौपाल संवाद में आपका सर स्वागत करता हूं और सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम विवेकानंद करमशील है। मैं प्राथमिक विद्यालय ताजपुर समस्तीपुर में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। सर, आज का जो कार्यशाला मौर्य होटल में आयोजित था वायु प्रदूषण, उसके बारे में सर आप क्या बताना चाहिए? जी सर, ये बहुत अच्छी टॉपिक है जिस पर आज बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। निश्चित रूप से हम प्रकृति है तो हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है, इस बात को हमें याद रखना होगा और भूलना नहीं होगा कि प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ही सिद्ध होगी। सर, आज प्रकृति से जो छेड़छाड़ किया उसका एक उदाहरण देखने को मिला कि बारिश कितना समय पहले हो जाने चाहिए था जो आज हुई है, और जो समय से बारिश नहीं होती है या तापमान में अकस्मात वृद्धि हो जाती है, उस पर आप सर क्या बोलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है अंधाधुंध मानव नहीं मैन पावर के रूप में बढ़ता जा रहा है और सुपर मैन बनने की फिराक में है, तो उसकी कहीं ना कहीं उसके मूल्य चुकाने ही पड़ेंगे। प्रकृति कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ लेगी ही लेगी, वो आपके जान तक हो सकती है। सर, आप किस प्रकार से इस पर्यावरण में आप सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित जो हो रहा है उससे हम लोग को निजात मिल सके? जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है। चूँकि हम सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भूखंड पर विद्यालय बना दिया जाता है, उसके चारों तरफ चार दीवारियाँ होती है। अमूमन वो चार दीवारियों के अंदर छायादार वृक्षों की या फिर घने वृक्षों की कमी होती है, देखी जा सकती है। सिर्फ चार दीवारियां और इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंगें नज़र आएंगी आपको। मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक मंतव्य रखना चाहूँगा कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें अगर पौधारोपण किया जाए, उसके चार दीवारियों के साथ पेड़ लगाए जाएँ, अगर उनके पास ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं है, तो उनके छत पे हम गार्डनिंग कर सकते हैं, और बच्चों के द्वारा बच्चों को कनेक्ट करें हम पर्यावरण से, तो आने वाला भविष्य भी हमारा सुरक्षित होगा और वर्तमान भी सजेगा हमारा। क्यों ना सर हम लोग एक नई पहल की शुरुआत करें कि शादी के सालगिरह के अवसर पर या जन्मदिन के अवसर पर या किसी महापुरुष के जयंती पर पौधारोपण कर यादगार बनाएं, इससे आप कहाँ तक सहमत है और किस प्रकार से आप इसको कर पाइएगा? जी सर, ये बहुत अच्छी पहल है। हम जिस सोसाइटी से जुड़े हैं, एलाइट सोसाइटी, और इसके द्वारा यही कार्य हमारे क्षेत्र में किया जाता है। जब किसी का जन्म होता है, मान लीजिए अगर उनका 5वां जन्मदिन है, तो हम लोग 5 साल वो पूरे कर रहे हैं तो 5 पौधे उन्हें दिए जाते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है, सिर्फ पौधे दे दिए गए तो वो लगा ना लगा या फिर फेंक दिया गया, इस बात की भी जानकारी रखी जाती है कि वो 5ों पौधा सही सलामत लगा दिया गया है, अन्यथा किसी कोने में घर में पड़ा है। सर, आपको अंत में एक आपसे संदेश लेना चाहूँगा कि आप क्या हमारे श्रोता को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में? जी बिल्कुल, एक संदेश रहेगा हमारा कि प्रगति कीजिए, प्रगति बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्यावरण के साथ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।